तो जी एक हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लास्ट वीक मैंने जब ये वीडियो बनाया था, एक ब्लॉग बनाया था, तब मैंने कहा था कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो बनाया करूंगा, नया ब्लॉग डाला करूंगा, अपनी रूटीन शेयर करूंगा, लेकिन एक हफ्ता कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं अपने जिम जा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद भी किसी कारण हमारा जिम जो था वो बंद था। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा जिम जा रहा हूँ, और अभी चेस्ट का वर्कआउट है आज, नए सिरे से चेस्ट करेंगे और थोड़ा वार्म अप है, मतलब आज ज़्यादा हैवी तो नहीं करेंगे लेकिन नॉर्मल वेट मारेंगे, आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे, इसके बाद डाइट लेंगे। डाइट के बाद मेरे को ऐसे ऑफिस भी जाना है, तो टाइम जो है बहुत टाइट रहता है मेरा, बस अभी 40 से 50 मिनट जिम है, जिम के बाद अपना डाइट लेते सीधा ऑफिस निकल जाना है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Hey, वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड आज। नींद बड़ी हुई है ठीक ठाक, गले में भी काफ़ी धुंध है। हाँ भाई ओ तेरी अर्ली गेनिंग है भाई, ये लड़का सिर्फ 23 साल का है लेकिन इसने ना जबरदस्त गेनिंग कर रखी है, काफ़ी हेल्दी है और उम्र सिर्फ 23 साल। तो जी चेस्ट वेट आज स्टार्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरसाइज, काफ़ी दिनों के बाद चेस्ट एक्सरसाइज है, पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप करेंगे। तो पुशअप्स के हमने अभी 3 से 4 सेट लगाए, वार्म अप अपना हो गया, पुशअप्स लगाते हैं कम से कम। एक तो ट्राई करता हूँ आज कितने ज़्यादा मैक्सिमम कितने लगते हैं, वैसे नॉर्मली मैं 60-70 पुशअप्स मार लेता हूँ 1 मिनट के अंदर, आज कोशिश करूँगा कि मैक्स टू मैक्स जितना हो सके उतने पुशअप्स से हम वार्म अप करें। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really... एक हफ्ते तक जिम बंद था, तो एक हफ्ते बाद हमने दोबारा जिम शुरू किया है, बट अगर सही से मेहनत कर रखी हो ना तो पंप नहीं आता है, पंप अभी भी आ रहा है, सिर्फ वार्म अप किया भी और पंप ठीक ठाक किया है। जिम से पहुंच तो गया, अभी डाइट लेनी है, पर डाइट खा लेनी है, ये पहले आती है, ये कहते उठा ले, मैं थक जाता हूँ। और दे दो इसको, दे दो इसको, दे दो सब कुछ दे दो। तो यार एक्सरसाइज पहली मेरी मील, प्रोटीन तो आजकल मैं ले नहीं रहा, तो प्रोटीन के मतलब सब्स्टिट्यूट में मतलब मैं एग्स ले लेता हूँ, क्योंकि प्रोटीन पाउडर पर ज़्यादा मैं डिपेंड रहता नहीं, मैं नेचुरल डाइट पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो जी बीवी अगर ऐसी है तो क्या ही बात है नहीं, सैलड की भी तैयारी हो रही है, मेरा टिफिन तैयार हो रहा है, ये मेरा मतलब आफ्टर एक्सरसाइज 1 घंटे के बाद मैं जो एक मील लेता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट हो वो ले लेता हूँ, मिक्स फ्रूट हो या सैलड हो, अगर वेजिटेबल्स हो वो भी सही रहता है, तो कोई भी फ्रूट हो कोई वेजिटेबल हो अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, मतलब एक दिन में एक बार, दिन में एक बार तो मतलब लेना ही चाहिए कोई ना कोई फ्रूट या सैलड। तो ये अपना टिफिन पैक हो गया, और ये निकलते हैं ऑफिस अभी, और आज ऑफिस में शायद थोड़ा सा प्लान है पूल पॉइंट जाने का, थोड़ा पूल खेलने का मजा आता है, काफी टाइम पहले स्टार्ट किया था मैंने खेलना, तो दोस्तों से थोड़ी सी बात हुई है कल, तो कह रहे पूल खेलेंगे शाम को, तो आज पूल जाएंगे हम लोग। तो जी ऑफिस का काम धाम खत्म करके आपका दोस्त, आपका स्ट्रगलिंग यूट्यूबर भाई अपने दोस्तों के साथ
भाई ये नुक्कड़ तक जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे पूल पॉइंट है और पूल खेलेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, आप लोगों को भी शामिल करेंगे। भाई ये मेरा ड्राई हार्ट फैन, मेरा यूट्यूब पे नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है, मेरा ऑफिस का बंदा नया सब्सक्राइबर ऐड हुआ है। अब हम बीच में करेंगे आप तो में पीछे तो गाड़ी आ जाए तो मेरा कैमरा मैन है भाई ये अवनीश पूरी ट्रेनिंग हो रही है इनकी। अभी हम फाइनली गाड़ी सेलेक्ट करके आए हैं और अभी हम हैं गुड़गांव की सेक्टर 14 में और यहाँ पे हम जा रहे हैं साउथ इंडियन सेंटर जहाँ पे हम खाएंगे डोसा। हम पहले भी डोसा ट्राई कर चुके हैं और वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग पकड़ पकड़ के बिठा देते हैं खिलाने के लिए, तो आज हम दोबारा से जाएंगे और उसके एक्सपीरियंस उसके रिव्यूज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, सेक्टर 14 की मार्केट है, वैसे है तो बहुत अच्छी मार्केट है, काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना कचरा बहुत लोगों ने फैला रखा है, इतना कचरा है यहाँ पार्किंग में, कितना ज़्यादा कचरा है। वैसे मार्केट बहुत अच्छी है, मतलब ये समझ लो कि आप सेक्टर 14 की मार्केट आई थिंक यहाँ की हुड्डा मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश रहता है इस मार्केट में, इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब रश है लोगों का। फाइनली हम लोग एक बजट गाड़ी देख रहे हैं, तो बजट में मतलब मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जो अभी डिसाइड किया वो किया है इग्निस गाड़ी डिसाइड की है। देखो फाइनली मतलब वो हम लेते हैं कुछ प्लान में चेंजेस आते हैं, फिलहाल तो इग्निस ही है, इग्निस अच्छी है मतलब वैसे बजट में भी अच्छी है और गाड़ी भी अच्छी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है मारुति की, तो बस वही अभी देख के आए हैं। और अभी हम लोग यहाँ जा रहे हैं पीछे जो साउथ इंडियन स्टोर है डोसा का, यहाँ पे डोसा मिलता है, बहुत अच्छा डोसा मिलता है। अभी कुछ बाहर खाना ना इसकी ज्यादा टेंशन रहती है, थोड़ा सा खाया है, फर्स्ट टाइम खाया बाहर का, कुछ थोड़ा सा इसको पसंद आया, स्पाइसी है ना। सो जी फाइनली अभी हमारी गाड़ी फाइनल मतलब समझो हो ही गई है, इग्निस की डेल्टा मैं मतलब सोच रहा हूँ परचेज करने के लिए, अभी वो लूँगा। तो अभी हम ऑफिस से जस्ट में आया था, बार बार मुझे निकल गया, मैंने चलो मैं गाड़ी देख आता था, मैंने शालू को बुला ली था कि एक बार गाड़ी देख लेते हैं शोरूम में जाके। पर दिन बहुत हैक्टिक था, मतलब सुबह उठा जिम गया, उसके बाद मैं गया ऑफिस, ऑफिस के बाद अभी बार बार से मैं गाड़ी कन्फर्म करके आ रहा हूँ कि कौन सी लेनी है। तो यही थी आज की रूटीन और आज का व्लॉग, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।